हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे घरेलू उपाय की बात करते हैं जो कि हमेशा आपको स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो देखिए, पहले घरेलू उपाय की बात है, सिर पर सरसों के तेल की मालिश करने से आंखें स्वस्थ रहती हैं, आंखें अच्छी रहती हैं, रोशनी कम नहीं होती हैं। तो देखिए, जो सरसों का तेल है वो सर्वश्रेष्ठ है। प्रचार में चाहे आपको जो भी कहा जाए कि सरसों का तेल ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है, लेकिन सरसों के तेल के अंदर काफ़ी काम के केमिकल हैं जो कि आपकी आंखें स्वस्थ रखेगा और सर से रिलेटेड कई समस्याओं को ठीक करता है। तो सरसों का तेल अच्छा है, इसको यूज़ करें। और दूसरा घरेलू उपाय क्या है कि 25 मिलीलीटर नींबू का रस और 20 मिलीलीटर सरसों के तेल को मिलाकर लगाने से जू नष्ट हो जाते हैं। तो जिनको जू की समस्या है वो 25 ml नींबू का रस और 25 ml सरसों का तेल को मिलाकर लगाएं, आसानी से जू नष्ट हो जाएंगे। और प्रचार आते रहते हैं कि ये शैम्पू है, वो शैम्पू है, जूए को मार गिराता है। तो इस तरह से आप घरेलू उपाय करके जू को नष्ट कर सकते हैं ना। और सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर छाती पर मलने से कफ आसानी से निकल जाता है और खांसी कम हो जाती है। जिनको भी खांसी कभी भी अगर हो जाए तो सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर छाती पर मलें तो कफ आसानी से बाहर निकल जाएगा और खांसी कम हो जाएगी और खांसी से रिलेटेड जो भी और समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। तो देखिए, जो भी घरेलू उपाय हैं आप आसानी से कर सकते हैं और बड़ी बीमारियों को होने से, शरीर में पनपने से आप बच सकते हैं ना। देखिए, सरसों के तेल में कपूर तथा तारपीन का तेल मिलाकर रोगी के सीने पर मलने से न्यूमोनिया रोग में लाभ होता है। तो न्यूमोनिया खास तौर से किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर छोटे बच्चों में होता है तो छोटे बच्चों को बहुत परेशान कर देता है और उनसे कई दिक्कतें जनरेट होने लगती हैं छोटे बच्चों में। तो देखिए, आसानी से न्यूमोनिया का इलाज संभव है। आप घरेलू उपाय से जो भी दवा आप ले रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए और इन दवाओं से जल्दी आसानी से आराम होगा ना। हल्दी को बारीक पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर रोज़ाना रात को सोने से पहले दांत व मसूड़ों पर मलें, इससे दांत व मसूड़ों के सभी रोग दूर हो जाते हैं। आज की डेट में जो दांतों में कैविटी बनना काफ़ी आम है, तो दांतों की कैविटी से निजात पा सकते हैं आप घरेलू उपाय करके। तो देखिए, घरेलू उपाय आसानी से आप करते रहेंगे तो बड़ी समस्याएं जनरेट नहीं होंगी। सेंधा नमक में सरसों का तेल मिलाकर गर्म करें, रात को इस तेल को उंगलियों पर लगाकर मोजे पहनकर सोने से सूजन मुड़ जाती है ना। तो उंगलियों में सूजन खास तौर से ठंडी की मौसम में होती है, उसको चिलब्लेंस बोलते हैं। तो अगर चिलब्लेंस हो जाए तो सेंधा नमक में सरसों का तेल मिलाकर गर्म करें और रात को उंगलियों पर लगा के सोएं। तो जो चिलब्लेंस की जो समस्या है खास तौर से ठंडियों में होता है, तो चिलब्लेंस की समस्या से निजात पाई जा सकती है ना। और 50 ml सरसों के तेल में 5 g कपूर मिलाकर मालिश करने से दर्द में फायदा होता है। जैसे शरीर दर्द कर रही है, हाथ पैर दर्द कर रहता है कभी काम करने से, तो लोग नॉर्मली कोई टेबलेट्स खा लेते हैं ना, पैरासीटामॉल, आइब्रोफेन, ये सब खा लेते हैं। तो देखिए, वो सब थोड़ी देर के लिए तो दर्द तो दूर कर देंगे, लेकिन लीवर को, किडनी को ख़राब करने में रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से आप घरेलू उपाय करें और घरेलू उपाय में आसानी से दर्द ठीक हो जाएगा और कोई बड़ी समस्या शरीर में उत्पन्न नहीं होगी। सिर के जिस तरफ दर्द होता हो, नाक के उस नथुने में 8 बूंद सरसों का तेल डालकर या सूंघने से आधे सिर का दर्द दूर हो जाता है। ऐसा लगातार 5 दिनों तक करने से सरदर्द की समस्या से निजात पाई जा सकती है। तो देखिए, जो माइग्रेन हेडेक होता है ना, सर में एक ही तरफ होता है, आइदर लेफ्ट या राइट। तो इस तरह से आप घरेलू उपाय करें तो माइग्रेन से भी निजात मिल सकती है। तो देखिए, आपको कोई भी अगर बीमारी होती है तो आप घरेलू उपाय पहले करें, और घरेलू उपाय से अगर नहीं फायदा यथोचित मिल पा रहा है तो आप तब डॉक्टर के पास जाएं। तो सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर छाती पर मलने से कफ आसानी से निकल जाता है और खांसी कम हो जाती है। तो खांसी के लिए खासतौर से छोटे बच्चों में तो बहुत दिक्कत क्रिएट कर देता है, तो इस तरह से आप खांसी से निजात पा सकते हैं। तो घरेलू उपाय काफ़ी काम के होते हैं, बीमारियों को प्रिवेंट करते हैं। मेडिकल साइंस बोलती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करिए और क्योर की तुलना में। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।